बढ़ते आगे लखनऊ से एक और बड़ी खबर मिल रही है। दूसरे राज्यों में अपना असर बढ़ाएगी सपा। सपा का महाराष्ट्र में 12, हरियाणा में 5 सीटों पर दावा। सपा कांग्रेस की एक हाथ दो दूसरे हाथ लो की नीति। एवज में कांग्रेस को यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटें। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मयूर, दूसरे राज्यों में भी अपना असर अब सपा बढ़ाने जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश में इस बार इंडिया गठबंधन रहा वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ, तो कांग्रेस को शायद ये बात समझ में आ गई है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आगे के चुनाव जो विधानसभा चुनाव अन्य राज्यों में होने हैं उसमें लड़ा जाए तो ज्यादा फायदा होगा। इसी कड़ी में हरियाणा और महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, तो ऐसे में 12 महाराष्ट्र में सीटें और हरियाणा में 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मांग सकती है। उसके एवज में उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें 2 सीटें कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे सकती है। तो गठबंधन का उसूल यही होता है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, और उसी फॉर्मूले पर लगातार समाजवादी पार्टी चल रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गाजियाबाद में और मिर्जापुर की जो मझुआ सीट है वो कांग्रेस को देने पर विचार समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि गाजियाबाद में कांग्रेस का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था, तो ऐसे में वहां पर मजबूत है और मझुआ सीट भी काफी मजबूत है कांग्रेस के लिहाज से। तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो प्रस्ताव रखा गया है सपा की तरफ से इस पर कांग्रेस कितना अमल करती है और क्या ये गठबंधन इसी तरीके से मजबूती से बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो ये गठबंधन काम कर गया था, परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, लेकिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और 2 सीटों की पेशकश की जा सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन क्या इसे मंजूर करती है कांग्रेस ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर इस जानकारी के लिए।